चैनल टू ब्यूटी हेल्थ एंड स्टाइल। क्या ब्लीचिंग करना सेफ है? अगर हमें एक्ने की प्रॉब्लम है, क्या हम ब्लीच कर सकते हैं? और जब हम ब्लीचिंग करते हैं, हमारा पूरा स्किन जल जाता है, हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके यही सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, कि ब्लीचिंग इज सेफ और इज नॉट सेफ, एंड आप घर पे ब्लीचिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू वॉचिंग। व्हाट इज ब्लीचिंग? ब्लीचिंग जस्ट लाइटन्स योर हेयर, जो आपका फेशियल हेयर है वो लाइट हो जाता है। और बहुत लोग समझते हैं अगर हम ब्लीचिंग कराएंगे तो हम फेयर दिखेंगे, ऐसा होता नहीं है। जो आपका फेशियल हेयर है वो लाइट, स्किन टोन है वो इवन हो जाता है। अप्लाइंग अ ब्लीच, हमेशा आपको पैच टेस्ट कराना चाहिए, यहाँ नेक पे या यहाँ हाथों पे, और आपको वेट करना है 24 आवर्स। अगर आपको एलर्जी या रिएक्शन नहीं होती है तो आप You can go ahead with this product. अगर आपको reaction होती है तो you must not use this product, क्योंकि ये product आपको suit नहीं करती है, तो आपको bleaching नहीं करना चाहिए। कोई भी product buy करने से पहले always check the expiry date, ये बहुत ही important है। And specially जब आप bleaching को buy करते हैं, कोई भी bleaching product को buy करते हैं, तो उसका expiry date always check, क्योंकि वो अगर वो expired है तो आपके skin को नुकसान हो जाता है। तो उसका प्लीज, आपको एक्ने के प्रॉब्लम है या अगर आपको कट्स है फेस में, या अगर आपको पस है, पस निकलता है या ब्लड निकलती है, तो आपको ब्लीचिंग नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका कंडीशन वर्स हो जाएगा और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आपके फेस में, क्योंकि ब्लीचिंग इट्स अ केमिकल आफ्टर ऑल। जो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स है तो आप ऊपर से केमिकल्स लगाते हो तो आपका जो फेस है, आपका जो स्किन है, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा और आपका कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो डू नॉट यूज़ अ ब्लीच अगर आपको ये जो ब्लीचिंग करते हो, हमेशा आपको वेट करना है 1 month or 1.5 month, दैट्स द बेस्ट टाइम। अगर आप 15 डेज में ब्लीचिंग कराएंगे तो आपका स्किन का डैमेज हो जाएगा, और क्योंकि उसमें है एक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके स्किन के लिए, इट्स अ बहुत सारे केमिकल्स है उसमें, तो आपका स्किन डैमेज हो जाएगा लॉन्ग रन में। सो यू शुड नॉट डू वेरी फ्रीक्वेंटली, यू शुड जस्ट डू आफ्टर 1.5 month या आफ्टर 1 month, आई डू एवरी 2 or 3 months ऑल्सो। हम ब्लीचिंग करेंगे तो मेरे पास ये ब्लीच है ऑक्सी लाइफ, और ये नेचुरल रेडिएंट है विद एक्टिव ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है, इट गिव्स अ बूस्ट एंड अ हेल्दी ग्लो, एंड ये सिर्फ 9 grams का है एंड 40 rupees का है ये छोटा सा। अब हम इसको खोलेंगे। इसमें है एक क्रीम और एक एक्टिवेटर, और ये नेचुरल वेरिएंट का पोस्ट ब्लीच सीरम है। जब आप ब्लीच लगाएंगे तो उसके बाद इसको लगाना है, और ये इंस्ट्रक्शंस है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसको पढ़ के फिर आपको अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप गलत लगाएंगे तो आपका स्किन को इफेक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें को पढ़ के फिर अप्लाई कीजिए, और इसमें भी लिखा है अगर आपका स्किन वीक स्किन है तो यू हैव टू अप्लाई ओनली फॉर 7 to 8 minutes, अगर आपका स्किन डार्क है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर 10 minutes, अगर आपका स्किन फेयर है, जैसे मेरा स्किन फेयर है, तो आई हैव टू कीप इट 5 minutes मोर, दैट इज 15 minutes, एंड फिर उसके बाद आपको रिमूव करना चाहिए इन द राइट मैनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ के आपको फिर अप्लाई करना चाहिए। अब हम उसको शुरू करते हैं। ये क्रीम मैंने लिया है 1 spoon, ये स्पैचुला इसके साथ था, तो 1 spoon ऑफ दिस क्रीम, और हमेशा ग्लास बोल में मिक्स करना है या प्लास्टिक में, डू नॉट यूज़ अ मेटल। हम डालेंगे एक्टिवेटर, और ये एक्टिवेटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर पुटिंग दिस, डू नॉट पुट टू मच, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट 1 pinch ऑफ इट। एंड दैट्स इट, एंड वी मिक्स, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। अप्लाइंग योर ब्लीच, हमेशा हेयर को टाई करना चाहिए, और मैंने बैंड भी लगा दिया है, और अब हम इसको वैसलीन लगाएंगे, क्योंकि अदरवाइज ये सारी जो छोटे छोटे बाल है वो गोल्डन हो जाएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
सो आई एम गोना अप्लाई वैसलीन. अगर आपके पास वैसलीन नहीं है आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो इन योर हेयर लाइन. ब्लीच लगाने से पहले हमेशा आपका फेस क्लीन होना चाहिए, तो यूज अ गुड फेस वॉश. और मैंने ऑलरेडी फेस वॉश यूज किया है और मेरा फेस एब्सोल्युटली क्लीन है. अब हम इसको ब्लीच ये साइड हमेशा केयरफुल होना चाहिए. एंड आई हैव फेशियल हेयर हियर सो आई वांट इट टू डू इट सो अप्लाई लगा दिया है. 15 मिनट्स के बाद हम उसको निकालेंगे. मैंने वॉश किया है फेस को. कैन सी द डिफरेंस. सीरम लगाएंगे इसके बाद जो इसमें था. ब्लीचिंग के बाद आपको 5 आवर्स के लिए कोई भी सोप नहीं लगाना चाहिए या कोई भी फेस वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए और आपको सनलाइट में भी नहीं जाना चाहिए. और अगर आप ब्लीचिंग करते हो घर पे द बेस्ट टाइम अगर आप कर सकते हो शाम को या रात को जैसे मैं कर रही हूँ शाम को. एंड दैट्स द बेस्ट टाइम जब आपके स्किन को हील होता है एंड दैट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन. एंड जब आप यू नो ओकेजन में जाते हो द बेस्ट टाइम इज़ टू अप्लाई अ ब्लीच नॉट ऑन द सेम डे. जब आप सेम डे में लगाते हो एंड ओकेजन में जाते हो तो कभी कभी आपकी स्किन में बहुत यू नो रेडनेस हो जाती है या बहुत यू नो इट बिकम्स वेरी यू नो रेड योर स्किन. सो ऑलवेज यू शुड अप्लाई योर ब्लीच जस्ट वन डे बिफोर योर ओकेजन एंड योर स्किन लुक्स बेटर द नेक्स्ट डे. सो दैट्स द बेस्ट वे टू अप्लाई अ ब्लीच अगर आप कोई भी ओकेजन या वेडिंग में जाते हो तो योर स्किन स्टैंड्स आउट एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एंड इन योर दिस इज ग्लो आफ्टर यू. बहुत लोग मुझे पूछा है मैम कैन यू टेल मी अ natural remedy to make my facial hair light golden. Guys, let me be very frank, there is no natural remedy to make your facial hair light brown. Yes, tomato is very good for your skin and lemon is very good for your skin, jo is a natural bleaching agent, lekin wo aapke facial hair light brown nahi kar sakte hain, golden nahi kar sakte hain. You have no other option is you have to apply a bleach. And jab aap ब्लीच को अप्लाई करते हैं इसका ध्यान रखें यू हैव टू अप्लाई एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड डू इन द राइट वे एंड यू हैव टू कीप अ गैप. जब आप गैप लगते हो एटलीस्ट फॉर 1 मंथ यू हैव टू कीप अ गैप एंड देन यू हैव टू अप्लाई योर ब्लीच. मैं क्या करती हूँ एवरी आफ्टर 2 एंड 2.5 मंथ्स आई अप्लाई माई ब्लीच बिकॉज मुझे इतना फेशियल हेयर नहीं है. लेकिन अगर आपके फेशियल बाल बहुत ज़्यादा है तो यू हैव टू कीप अ गैप एटलीस्ट फॉर 1 मंथ एंड देन. तो गाइज आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हिट द लाइक बटन. डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन गाइज. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी मच गाइज. एंड गाइज डोंट फर्गेट टू प्रेस द आइकॉन बटन इन द कॉर्नर and that will notify you whenever I post a new video guys. So guys milti hu agle naye video ke sath. Till then keep yourself happy and follow this simple tips guys. Love you all. Bye guys.